With Karva Chauth around the corner, बहुत सारे लोग फास्टिंग करने वाले हैं, लेकिन फास्टिंग करना आसान नहीं. जब बॉडी के यूजुअल ईटिंग पैटर्न्स ब्रेक हो जाते हैं तो ऐसे में इट कैन हैम्पर योर ओवरऑल हेल्थ. तो क्या किया जाए कि फास्टिंग भी हो और हेल्दी तरीके से हो? Yes, this is possible. This is Meena Diwan and you're watching HealthSite and India.com. आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जो आपको फॉलो करनी है इस करवा चौथ टू मेक श्योर दैट यू फास्ट इन द मोस्ट हेल्दी वे पॉसिबल. हाइड्रेट, जितना ज्यादा हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें. उसके लिए जितना हो सके फ्लूइड इनटेक करें. जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो इट माइट इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डिजीनेस. फ्लूइड इनटेक ऐसे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए जितना हो सके पानी पीते रहिए. गेट इनफ स्लीप. फास्टिंग के दौरान शरीर में खाने की कमी की वजह से शरीर के एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं. ऐसे में नींद पूरी करना बहुत ही ज़्यादा अहम है. गेटिंग अ गुड नैप विल इंक्रीज योर एनर्जी टू वर्क थ्रू आउट द डे. कम से कम 8 घंटे की नींद लें और अपने शरीर को भरपूर रेस्ट दें. मेडिटेट. फास्टिंग में भूख को कंट्रोल करना अक्सर मुश्किल लग सकता है. ऐसे में अपनी अटेंशन को भूख से शिफ्ट करना जरूरी है. मेडिटेशन विल नॉट ओनली हेल्प यू काम योर माइंड बट विल ऑल्सो हेल्प यू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर हंगर. चाहे 15 मिनट ही सही पर ध्यान लगा के मेडिटेट करने की कोशिश जरूर करें. माइल्ड वर्कआउट. अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो शरीर की एनर्जीज को कंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, कोशिश करें वाइल यू आर फास्टिंग यू आर डूइंग माइल्ड एंड लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स, जैसे कि योगा, स्ट्रेचिंग, स्लो एक्सरसाइजेस. वर्कआउट स्किप ना करें पर वर्कआउट की इंटेंसिटी को कम कर दें. अवॉइड ओवर ईटिंग. लंबे फास्ट के बाद या फिर फास्ट से पहले लोग अक्सर ज़्यादा खाने की गलती कर देते हैं. ओवर ईटिंग बॉडी को नुकसान दे सकता है, स्पेशली लंबे समय तक भूखा रहने के बाद. इंस्टेड टेम्पटेशन को रिजिस्ट करते हुए खाना हमेशा पोर्शन में खाना चाहिए टू गेट योर बॉडी अकस्टम टू इट. और जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करें. फास्ट के दौरान आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का भी मौका मिल जाता है. सो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी इनटेक ऑफ फूड्स. आखिर में अपने मी टाइम पे ध्यान जरूर दें, वो करें जिससे आपको कंफर्ट और खुशी मिले. वेल आई होप दिस हेल्प्स. इस वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट. हैप्पी करवा चौथ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.